इंक कैरेक्टर रीडर। अब छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। आपने अपने पापा के पास, मम्मी के पास, भैया के पास, ऐसे किसी ऐसे आदमी के पास जरूर देखा होगा चेकबुक। चेकबुक देखा है जिसमें पापा कुछ या मम्मी कुछ अमाउंट भरती है, बैंक में जाके हम देते हैं और पैसा हमें मिलता है, राइट। कई बार अच्छे बड़े पेमेंट करने के लिए भी हम चेक का यूज करते हैं। मतलब अगर हमको कोई गाड़ी खरीदनी है और 1,00,000 का पेमेंट देना है तो हम चेक से दे सकते हैं, कोई दिक्कत है? आराम से हो सकता है। चेक अभी तक नहीं दे, अब आज घर पर जाइए और मम्मी से कहिए कि मुझे बस चेक दिखाओ। चेकबुक देखने के बाद आप कहिए चेक देखिएगा और चेक के नीचे की पट्टी में देखिएगा 6 डिजिट का एक नंबर है, वह चेक का नंबर होता है और बहुत अजीब तरीके से उसका फॉन्ट है। और भारत में, इंडिया में सारे चेक अलग अलग, सारे बैंक के चेक अलग होते हैं। किसी कोई PNB है, पंजाब नेशनल बैंक, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, ये बैंक, पंजाब सिंध बैंक, बहुत सारे बैंक हैं। लेकिन बैंक चाहे जितने भी हों, सब बैंक का चेक तैयार होता है बेंगलोर में। जैसे इंडिया में कहीं भी आधार कार्ड बने, आएगा कहाँ से? बेंगलोर से। दुनिया में, भारत में कहीं भी पैन कार्ड बने, कहाँ से बन के आएगा? ये सब बेंगलोर। क्या बहुत इंपॉर्टेंट जगह है बेंगलोर में। एक फैक्ट्री है या कंपनी है जो गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, वह एक खास तरह का इंक बनाती है, खास तरह का इंक। वह इंक किसी दूसरे, किसी भी प्रेस में नहीं है, उसी इंक से वह चेक नंबर लिखा रहता है। तो अब इस फुल फॉर्म को समझिए, वह इंक मैग्नेटिक होता है, मतलब उसमें चुंबक वाली ताकत होती है। ATM में नंबर लिखा होता है, ATM के पीछे काली पट्टी होती है, उसमें मैग्नेटिक नंबर छपा होता है, तभी तो आपका ATM मशीन उसको पढ़ता है और आपके अकाउंट को बैंक से वेरीफाई करके पैसा देता है। वह काली पट्टी क्या है? बिना मैग्नेट के, बिना चुंबक के धरती पर भी काम नहीं चलेगा और मशीन में भी काम नहीं चलेगा। साउंड बॉक्स में मैग्नेट हटा लो, साउंड बजेगा? छोटा सा मैग्नेट हो या बड़ा मैग्नेट हो, साउंड में क्या होता है? मैग्नेट, राइट और रॉन्ग? बुलेट ट्रेन किसे चलती है? मैग्नेट से। इतनी स्पीड अगर डीजल और इलेक्ट्रिकल इंजन की दे दिए तो ट्रेन उड़ती भी और खेतों में घुसती भी दिखाई देगी। इतनी स्पीड बर्दाश्त नहीं करेगा, पटरी छोड़ देगा।